आज यहाँ हम एक एनजीओ द्वारा संचालित हैंडीकैप बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट का विजिट करने आए थे। कोई भी नहीं है। ये कितने टाइम से बंद है? बच्चे कितने आ रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं 10-12। रजिस्टर तो होगा? दिखा हो। ये क्या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चल रहे हैं क्या? लग नहीं रहा जैसे ही चल रहे हैं। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऐड गवर्नमेंट देती है उस ऐड का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, और क्या बच्चों को जिस पर्पज़ के लिए ऐड दी जा रही है उस तरह का फ़ायदा पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। दिखाओ जरा, चेक करो कितने बच्चे आ रहे हैं पढ़ने। एवरेज लगभग। आपका क्या नाम है? सुमन रावत। आप क्या हैं यहाँ पे? हेल्पर। आप हेल्पर हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? देखो ईमानदारी से बताना, एकदम सच बताना। 6,150 रुपये। और कितने टाइम से कितने टाइम तक रहती हैं आप यहाँ? सुबह 8 बजे से। तो जितना एरिया रेंट पे है उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके, कि कितना फ़ायदा उनको यहाँ मिल पा रहा है आने से, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो चाहे वो स्पीच थेरेपी हो। तो हम अभी उनके बच्चों के पेरेंट्स का फ़ोन नंबर लेके उनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि कितना उनको फ़ायदा इन इंस्टीट्यूट से हो रहा है, ताकि उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। तो ये बताइए कितने बच्चे एवरेज आते होंगे अटेंड करने क्लास वगैरह? 15-20 आते हैं। अभी तो बता रही है मैडम 4-5 बच्चे आते हैं। हाँ। तो बहुत कम है, पहले तो बहुत भरा रहता था। अभी चलिए ठीक है, ओके।